हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके सामने अनबॉक्स करेंगे एक Amazfit BPU Pro वॉच की, जो कि मैंने रिसेंटली परचेज़ की है अमेज़ॉन से और ये अराउंड 4000 की मुझे पड़ी है। तो ये देखते हैं, ये वॉच काफ़ी पॉपुलर है तो ये क्या क्या करती है। ये इसका बॉक्स है और ये देख सकते हैं अप्रैल 2021 की मैन्युफैक्चरिंग है। आइए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये इसको पुल करते हैं बाहर। और ये इसकी पैकिंग है, बॉक्स एम्प्टी। ये कुछ मैनुअल्स होंगे जैसे कि आप देख सकते हैं Amazfit वॉच के, और ये कुछ मैनुअल्स हैं। और अब ये देखिए, ये है हमारी वॉच और इसमें शायद चार्जर होगा। तो ये है हमारी वॉच, स्मार्ट वॉच। इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये रही काफ़ी स्ट्रैप जो है इसका मैट फिनिश में, और ये इसका पीछे चार्जिंग पॉइंट और सेंसर्स दिए हैं। ये Amazfit वॉच काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये इसका चार्जर को दिखाते हैं। ये इसका चार्जर है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है चार्जर की। इसका चार्जर जो होता है वो मैग्नेटिक होता है और आसानी से वॉच के पीछे चिपक जाता है, जिससे चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो ये मैग्नेटिक चार्जर्स होते हैं, आपको USB इसमें अलग से चार्जर मिलता नहीं है, केवल USB से आप चार्ज कर सकते हैं। ये है, और ये हमको जो अपने फ़ोन पे एक ऐप है उसे इंस्टॉल करना है और उससे ये स्कैन करना है। तो ये देखिए, ये मैं स्कैन कर रहा हूँ। Huami बेसिकली चाइनीज़ कंपनी है, वो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये ज़ैप करके ऐप है, आप स्कैन करेंगे और फिर इसको आपको इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से, या आप आईफोन से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, दोनों के साथ कंपेटिबल है। तो ये देखिए, ये इंस्टॉल कर रहा है और इसे ओपन कर लेते हैं। तो इस पर आपको बेसिकली एक अकाउंट बनाना होगा अपनी ईमेल आईडी के साथ, और कंट्री हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। जीरो इंडिया। एक इस वॉच में जो मुझे सबसे बेकार बात लगी है, हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता। और काफ़ी इंडियन से वॉच खरीदते हैं और रीजनल लैंग्वेज हिंदी और किसी भी रीजनल लैंग्वेज को ही सपोर्ट नहीं करता। तो ये ऐप पे इंस्टॉल कर लिए हैं, अलाउ कर दिए हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ब्लूटूथ में Amazfit BPU Pro पेयरिंग हम अपने फ़ोन के साथ कर देते हैं, ताकि इसे इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने में आसानी हो। और ये हमारी वॉच है, अलाउ इसे कर देते हैं, अलाउ ऑल द टाइम। पिक्चर का वो अलाउ कर देते हैं। इसमें एक कैमरे को भी आप वायरलेसली यूज़ कर सकते हैं। और ये पेयरिंग कर रहा है, रिपेयर हो नहीं पाया, दोबारा से ट्राई करते हैं। ये देखिए, दूसरी बार की ट्राई में है, पेयर हो चुका है। फर्स्ट टाइम जब भी आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेता है पेयरिंग में और अदर्स चीज़ों में, जैसे वॉच सेटिंग्स रिस्टोर कर रहा है, फिर इसके बाद ये कुछ अपडेट लेगा, कुछ सिंक्रनाइज करेगा, तो ये थोड़ा बहुत टाइम सारी वॉच में लगता है। वॉच ये वाटर रेजिस्टेंट है, आप 5 मीटर तक की गहराई में इसे यूज़ कर सकते हैं और स्विमिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये सिंक कर रहा है, ट्रांसफ़र डेटा कर रहा है, तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, सेटअप में थोड़ा टाइम लगता है ये।
आगे मैं चाहूँगा कि भविष्य में इसमें रीजनल लैंग्वेजेस का सपोर्ट भी आए तो ये वॉच काफ़ी यूज़फुल होगी। वैसे भी ये वॉच काफ़ी यूज़फुल है और इसके एक्यूरेट मैंने सारे यूज़ किए हैं फंक्शंस, तो ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें GPS, इनबिल्ट GPS है, तो ये काफ़ी एक्यूरेट रीडिंग्स आपको प्रोवाइड करता है। इसके GPS होने से यही फ़ायदा है। तो ये हमारे सब कुछ सेटअप हो गया है और ये हमारा ऐप है, इसमें देख सकते हैं आप GPS, AGPS सब सिंक हो चुका है। और यहाँ से आप वॉच फेसेस भी बदल सकते हैं, हेल्थ मॉनिटरिंग, वॉच सेटिंग्स, ये सब जो है आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो वॉच जो है हमारी काफ़ी काम की है। हम आप इससे लगा सकते हैं, वर्ल्ड क्लॉक है, कंपास इसमें है और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। वॉच फेसेस आपको काफ़ी सारे दिए हैं और इसमें जो सबसे अच्छी बात है, आप बैकग्राउंड में इमेज भी अपने फ़ोन से कोई भी फ़ोटो इमेज आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको ज़्यादा तो नहीं देता, एक बार में फ़ोन में आपके 3-4 ही वॉच में स्टोर हो पाते हैं, लेकिन आप ऐप के द्वारा आप इसे चेंज कर सकते हैं। काफ़ी फेसेस अवेलेबल हैं अलग अलग टाइप के और बैकग्राउंड में आप इमेज लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी फ़ोन्स, काफ़ी वॉचेस में होता नहीं है, लेकिन इसमें ये बैकग्राउंड इमेज सेट करने का ऑप्शन है, जैसे कस्टम बैकग्राउंड है तो इसमें आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है। ये देखिए इतने सारे इसमें फेसेस काफ़ी दिए हैं और सारे फ्री हैं, तो इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक टाइम पे एक साथ 3 या 4 ही वॉच फेसेस आपको वॉच में दिखेंगे, बाकी आपको यहाँ से इसको सिंक्रनाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ओवरराइड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये वॉच ले लिया है, तो काफ़ी अच्छे वॉच फेसेस हैं, बाकी अपना काम ये सारे अच्छी तरह से करती है। अभी मैं आपको वॉच में भी दिखाता हूँ बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट करते हैं। ये देखिए हमारी वॉच रेडी हो गई है और ये देखिए वॉच जो है, ये मैंने बैकग्राउंड पे फ़ोटो लगाई है। ये देखिए एक्टिविटी गोल, हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस, पाई और वेदर इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। फ़ोन आप इससे कर सकते हैं, एलेक्सा जो इसमें फीचर, इसमें माइक्रोफोन है, एलेक्सा आप इससे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल है। एलेक्सा कंपेटेबल डिवाइस है तो आप एलेक्सा से काफ़ी यूज़ कर सकते हैं एलेक्सा को, और ये ऑलमोस्ट ज़्यादातर सवालों का जवाब सही से देती है, ये इसकी खूबी है वॉच की। बाकी आपके स्टेप्स और ये सब जो भी सारे स्मार्टफोन स्मार्ट वॉचेस में जो भी फीचर्स होते हैं वो इस सब में हैं। तो वॉच मुझे काफ़ी पर्सनली अच्छी लगी, इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर हैं, काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने लिए। बैटरी लेवल, वॉच फेसेस, ये देखिए 3-4 वॉच फेसेस में आ जाते हैं। और अभी मैं वॉच चलाने में इतना परफेक्ट नहीं हूँ, बाकी इसमें सारे फीचर्स आ जाते हैं, लिट अपॉन रिस्ट, तो ये काफ़ी अच्छी वॉच है। और चार्ज हो जाने के बाद अराउंड मैंने देखा है नॉमिनल यूज़ में ये 7 से 8 दिन तक चलती है। तो इसकी बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, आप अलार्म सेट कर सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और इसका डिस्प्ले शायद अमोलेड तो नहीं है, लेकिन काफ़ी धूप में आप इसको देख सकते हैं। और ये देखिए आप मैसेज भी इसमें पढ़ सकते हैं, बाकी हिंदी मैसेज को यह सपोर्ट नहीं करता, ये एक इसका ड्रॉबैक है, केवल इंग्लिश मैसेज आपको दिखाएगा। और ये देखिए वॉच में चेक करता हूँ, ओपन होने के बाद ये रिस्ट ओपन, ये टिल्ट रिस्ट, ये देखिए, तो रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।